हर हर महादेव गाइस, इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं कि हमने जो है हमारा डोमिनार लिया हुआ, हमारी नगीनी ली हुई है। एंड हमने एक ही दिन उसका जो ओवरव्यू रहता है, जो रिव्यू ब्लॉग रहता है कि डोमिनार कैसा है और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रहती है, बेसिकली उस दिन हमने इसकी कोई भी बुराइयों की बात नहीं करी थी, कोई भी अच्छाइयों की भी बात नहीं करी थी, बस क्या क्या पार्ट्स हैं उसमें और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रहती हैं एक बाइक में, वो सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। तो आज का जो ब्लॉग रहेगा वो हम जिस जगह पर कर रहे हैं गाइस, दैट प्लेस इज जसमेरगढ़ फोर्ट। इस किले को बेसिकली आज हम अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर रहे, आज हम नॉर्मली हमारी डोमिनार का रिव्यू करने वाले हैं। बट जल्दी जब हम लोग ट्रैवलिंग सीरीज स्टार्ट करेंगे ना, और खासकर जब हम फोर्ट्स एंड जो हमारे किले रहते हैं इंडिया में, जब वो वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे ना, तो जो फर्स्ट ब्लॉग रहेगा वो हमारे जसमेरगढ़ फोर्ट का ही रहेगा। थोड़ा सा आप लोगों को मैं ओवरव्यू दे देता हूं। ये गाइस बैक साइड है हीरानगर फोर्ट, जिसको कि जसमेरगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं। एंड जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेनली, वो एक तो अंदर माता रानी का मंदिर है, और एक ये देखिए आप, ये यहां पे एक वेल है। तो इस फोर्ट को लेके, इस किले को लेके और इस कुएं, इस वेल को लेके काफी सारी कहानियां हैं गाइस, वो सब चीजें हम लोग अच्छे से बात करेंगे उनके बारे में जिस दिन भी इनको एक्सप्लोर करेंगे। बट आज का जो हमारा ब्लॉग है वो है हमारी डोमिनार 400, हमारी नगीनी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइक हमारी जो अभी तक ड्रिवन हुई है वो ही है गाइस 8000 किलोमीटर। 8000 किलोमीटर में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करी और क्या क्या अच्छाइयां फेस करी, क्या क्या चीजें हैं जो कंपैरेटिवली इसके जितनी भी बाइक्स हैं, जितनी भी मैंने अभी तक राइड करी हुई हैं, उनके कंपैरेटिवली क्या डोमिनार उन सबसे बेटर है, अच्छाइयां और बुराइयां गाइस दोनों साथ साथ में लेके चलेंगे यार। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ब्रेकिंग सिस्टम से। मैं आप लोगों को बता दूं कि डोमिनार में ना फ्रंट पे आपको बाइबरी की डिस्क ब्रेक मिलती है, एंड बिलीव मी गाइस, डोमिनार 400 की जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, वो मतलब मोर देन इनफ जो रहता है ना वो रहती है, बट वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वाली है। रियर वाली जो ब्रेक्स हैं गैस, ये भी ABS में आती हैं, बट ये उस हिसाब से काम नहीं करती, समटाइम्स ये वर्क करती हैं, समटाइम्स वर्क नहीं करती हैं, समटाइम्स इनका जो ABS है वो भी ऑफ हो जाता है। आई डोंट नो क्या होता है, क्या दिक्कत होती है, इट क्रिएट साउंड एज वेल। जैसे ही आप लोग इस वाले पैडल को प्रेस करोगे ना ज्यादा जोर से, तो ये ब्रेक पता नहीं अजीब सी एक नॉइज क्रिएट करती है। डोमिनार 400 हमारा आता है 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ, एंड अभी तक गियर बॉक्स में या फिर इसके क्लच वगैरह में मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। ये वाला जो पार्ट है गियर बॉक्स के साथ वाला, इसमें जो चेन है ना गैस, यहां से एक नॉइज क्रिएट होती है, बट उसका गियर बॉक्स से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन चेन जो है ना वो लगभग साउंड करती है यहां से। चेन अभी तक फिट एंड फाइन चल रही है, बस इसका नॉइज को लेके थोड़ा सा दिक्कत है, अदरवाइज चेन जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से मैंने मेंटेन करके रखी हुई है। हर 600-700 किलोमीटर के बाद मैं इसको लुब्रिकेट भी करा लेता हूं, बट मुझे एक इशू आता है। वो इशू क्या आता है ना गैस, आपको पता है डोमिनार 400 में ना डबल स्टैंड नहीं आता, तो मुझे एक एक्स्ट्रा बंदे की जरूरत पड़ती है जब कभी मैंने चेन को ल्यूब करना हो, और एल्स आपके पास या फिर पैडॉक स्टैंड होना चाहिए। अगर पैडॉक स्टैंड नहीं है तो एक मिनी स्टैंड भी आता है जो यहाँ पे करके आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, बट वो टूट जाता है, मैंने 2 बार लिया हुआ था, वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। इन लोगों ने मुझसे पूछा कि ये पार्ट जो है इसका क्या रोल रहता है गाइस, इनको कहते हैं हम लोग नकल गार्ड। ये आपके हाथों को भी प्रोटेक्ट करता है एंड आपको विंड से भी प्रोटेक्ट करता है। एक्सीडेंट के टाइम पे आपको इसकी जो नीड है वो पता चलेगी कि इसका क्या फायदा रहता है। एंड ऑल्सो डोमिनार 400 जो है ना, ये एक एडवेंचर टूरर बाइक है, तो उसकी जो लुक है ना, ये नकल गार्ड जो है ये देखिए कितनी ज्यादा इनहेंस करते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो गाइस बिल्कुल रिलायबल सस्पेंशन है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जो एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोड होती है उसके लिए ये व्हीकल नहीं बनी हुई है। ये है गाइस इसका कूलेंट बॉक्स, एंड यहाँ पे ये रहता है इसका रेडिएटर। बिलीव मी, जिस टाइम पे मैंने ये व्हीकल लिया हुआ था ना, कूलेंट लीकेज को लेके एंड बाइक की जो ओवरहीटिंग का इशू था, वो स्टार्टिंग डेज में फर्स्ट सर्विस कह सकते हैं या फिर फर्स्ट जो हमारी 1000 किलोमीटर रहते हैं उनमें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आई। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये मिनिमम से भी नीचे 2 से 3 बार हो चुका है, बट जैसे ही हमने फर्स्ट सर्विस करवा ली थी ना, उसके बाद ये वाला इशू मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। बट जो ओवरहीटिंग का इशू है, जो फैन हमारा एग्जॉस्ट फैन रहता है, वो हर 2-3 मिनट के बाद ब्लो करना स्टार्ट कर देता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ तब करता है अगर मैं लो गियर्स में बाइक चला रहा हूं, या फिर जब कभी भी मैं 140-150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकाल रहा हूं ना, 50-60-70 किलोमीटर तक, तब जो है गाइस इसका जो एग्जॉस्ट फैन है वो बार बार ऑन हो जाता है। एग्जॉस्ट फैन का ऑन होना एंड डोमिनार का हीट होना बिल्कुल नॉर्मल है, इसीलिए इसमें रेडिएटर एंड कूलेंट दिया गया हुआ है। बट नॉर्मली अगर आप हाईवे पे राइड करते हैं या फिर छोटा मोटा कोई ऑफ रोड रहता है, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी बैक पेन या फिर कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, आप आराम से 500-600 किलोमीटर कर सकते हो। कई लोग जो डोमिनार यूजर्स है ना वो कम कंप्लेन कर रहे हैं, बट जो लोग डोमिनार यूजर्स नहीं है, जो छोटी सेगमेंट की व्हीकल्स यूज कर रहे हैं या फिर जो लोग ज्यादा हाई सेगमेंट की व्हीकल यूज कर रहे हैं ना, वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं। देखो हाई सेगमेंट व्हीकल जो लोग ओन कर रहे हैं ना, उनकी परेशानी तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि 400cc है, तो वो लोग जो एक्सपेक्टेशन है उनकी वो इससे थोड़ी सी ज्यादा रहती है, बट बजाज ने उस हिसाब से भी एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल नहीं करी हुई अपने कंज्यूमर्स की। एंड जो लोग भी लो सेगमेंट की व्हीकल यूज कर रहे हैं, लाइक पल्सर 220, RS 200, KTM RC 200 वगैरह, आप लोग गलत चीज से गलत चीज को कंपेयर कर रहे हो। मतलब एक बंदा मुझे बोल रहा है
है, RR 310 हो गया या फिर TVS हमारी 200cc होगी, किसको किससे कंपेयर कर रहे हो। हालांकि RR 310 जो है वो 400cc की कंपैरेटिवली कंपैरिजन में कर सकते हो आप, बट बाकी व्हीकल जो आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। फास्टेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मोटरसाइकिल था ना वो पल्सर 220 था, और आज के टाइम पे अगर कोई है तो वो डोमिनार 400 है मैन। लेने को मैं ना KTM RC 390 भी ले सकता था, मैं BMW 310 भी ले सकता था, एंड हमारी जो RR 310 है ये भी ले सकता था, हिमालयन भी ले सकता था। बट हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो अगर कोई मुझे देखो 400cc तक की सेगमेंट की व्हीकल लेनी थी ना, अगर मुझे कोई सुपर बाइक लेनी होती तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और ना, तो मैं किसी ना किसी और जो फॉरेन कंपनीज हमारी रहती है, जापानीज रहती है, इटालियन रहती है, किसी ना किसी ऐसे प्रोडक्ट पे जाता। बट मेरा जो इस टाइम पे बजट था और जो मेरे को बाइक लेनी थी, बिकॉज मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया था अपने आप को, मैं पल्सर 220 तक पिछले 7 से 8 साल से रहा, जिसमें मैंने 3 से 4 220 चेंज करी, जब वो डिसकंटिन्यूड होगी तो मुझे बजाज का ही व्हीकल लेना है, बिकॉज मैं इस टाइम पे जो है वो 1000cc की व्हीकल ओन नहीं कर सकता, मुझे इतना ज्यादा भी एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ। तो आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हैं ना, इसीलिए मैंने 400cc तक की सेगमेंट की व्हीकल चूज करी। अब पल्सर, ग्लैमर, स्प्लेंडर, अपाचे, ये सारे व्हीकल्स चलाने वाले जो लोग हैं ना, स्कूटी चलाने वाले जो लोग हैं, वो डोमिनार में कंप्लेन कर रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम आ गई, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, इसमें वो प्रॉब्लम आ गई है। मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हीकल को मेंटेन करना पड़ता है, व्हीकल में मेंटेनेंस रहती है। जो आपके KTMs वगैरह हैं, जो आपकी BMW वगैरह है ना, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट आप लोगों को इसीलिए नहीं पता चलती है गाइस, क्योंकि वो लोग सर्विस के टाइम पे ही ठीक ठाक लंका लगा देते हैं आप लोगों की। लाइक मुझे अभी तक जो डोमिनार में प्रॉब्लम फेस करी है वो मैंने पावर लैग की करी है, समटाइम्स इंजन ओवरहीटिंग की करी है, हमारे वाइब्रेशन की काफी ज्यादा मुझे इश्यूज रहे हैं। ये यहाँ पे अंदर वाली तरफ ना हमारी माता रानी माँ काली जी का मंदिर है, जल्दी गैस बहुत जल्दी हम लोग हीरानगर का ये जो जसमेरगढ़ फोर्ट है ना, इसको एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली हमने तो एक्सप्लोर किया हुआ है काफी टाइम, हमारे तो घर का है, हम तो महीने में आप कह सकते हैं कि 30 दिन होते हैं तो 50 बार यहाँ पे आते होंगे, बट जो लोकल लोग हैं वही ज्यादातर जानते हैं, या फिर आजू बाजू के जम्मू कठुआ सांबा तरफ के लोग ज्यादा जानते होंगे, बाहर के लोग भी अब हमारे साथ थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हमारे जसमेरगढ़ फोर्ट के बारे में हम लोग अच्छे से बताएंगे। विल डू वन थिंग गाइस, आपको पता है हमारे पास एक हीरो एक्सपल्स 200 भी है, तो उसको भी हमने स्टार्ट करना है, उसकी सीरीज स्टार्ट करनी है, तो उसको और हमारे हीरानगर फोर्ट को हम लोग एक साथ कंबाइन उसका एक ब्लॉग निकाल लेंगे, ठीक है। फुट स्टैंड में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, गियर लीवर में अभी तक हमको कोई इशू नहीं आई, सीटिंग जो है गाइस फ्रंट वाली जो सीटिंग है ना जो राइडर की है उसमें तो अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, रियर में मैं कभी बैठा ही नहीं, एंड पीछे कोई भी हमारे साथ बैठा ही नहीं, क्योंकि हम लोग छड़े लोग हैं तो हमारे साथ कौन ही बैठेगा। एंड ये जो है गाइस इसका लगेज कैरियर है, मैक्सिमम टाइम जब मेरे पास 2 से 3 बैग्स रहते हैं जब कभी मैं लॉन्ग ट्रिप पे निकलता हूं, तो इसी के ऊपर मैंने मैक्सिमम जो है हमारा लगेज रखा होता है, उसमें ना हमारा बैग भी रहता है, स्लीपिंग बैग भी रहता है, हमारा टेंट भी रहता है, लगभग आप कह सकते हैं कि 20 से 25 किलो तक का वेट रहता है, तो इसको अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल भी शेक नहीं कर रहा। रियर ब्रेक का मैंने आपको बता दिया, ये समटाइम लैग कर जाती है, ये वर्क नहीं करती, समटाइम्स करती है, इसकी मर्जी चलती है अपनी। ये गैस डबल बैरल हमारा, जैसे हमारी दुनाली है ना वैसे ये डबल बैरल, ये देख सकते हैं आप एग्जॉस्ट, हालांकि इसकी जो आवाज है ना वो उतनी ज्यादा सुप्रीम नहीं है, वो नॉर्मल बाइक्स की तरह लगती है, अच्छी बात है वैसे, आवाज ज्यादा हाई होनी भी नहीं चाहिए। जब कभी भी हमको मन करेगा एग्जॉस्ट की साउंड चेंज करने के लिए, उसके लिए हमारे पास 3 से 4 जुगाड़ है, वो सारे के सारे हम लोग आजमा लेंगे, उस टाइम पे सुपर बाइक वाला इसको एग्जॉस्ट कर देंगे अपने हिसाब से। रियर डिस्क ब्रेक का हमारा जो ऑयल है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, जब तब भी मैक्स पे था आज भी मैक्स पे है, शायद से ये यूज ही नहीं होता और ब्रेक्स हमारी यूज ही नहीं होती है, तो ये जाएगा कहाँ पे। तो लोग भी हमारे साथ स्टार्टिंग से साथ में, जब से हमने डोमिनार ली हुई आपने देखा होगा कितना एग्रेसिवली थ्रॉटल कर लेता हूँ, इस पे डिपेंड रहता हूँ मैं। एंड जब कभी भी हमारी ये जो ABS है ये ऑफ होता है ना, तो डोमिनार में एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, ये देखिए यहाँ पे ABS का साइन है, ये ग्लो कर देता है, तो वो हम चेक कर लेते कि ABS वर्क कर रहा है कि नहीं। बात करें गाइस डोमिनार की वाइब्रेशन इश्यूज की, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से एक नॉइज आती है जो कि वाइब्रेशन साउंड क्रिएट करती है। सेकंडली मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा नकल गार्ड है ना, इसमें ये वाला जो पार्ट रहता है ना, यहाँ से इनका जॉइंट है, ये समटाइम्स लूजन अप हो जाता है, ये भी वाइब्रेट करता है। थर्ड, ये जो हमने नंबर प्लेट लगाई है, नंबर प्लेट के साथ में ये जो फ्रेम लगाया हुआ है ना, ये वाइब्रेट करता है समटाइम्स, ये भी चलाते टाइम जब कभी भी हम लोग लो गियर्स पे बाइक चलाते हैं ना, उस टाइम पे ये जो है ये वाइब्रेट करता है। फोर्थ वाइब्रेशन इशू, ये जो हमारा वाइजर है ये देख सकते हैं, ये समटाइम्स वाइब्रेट करता है, कभी कभार करते हैं। साथ में ही हमारा ये जो सेकेंडरी वाला ऑडोमीटर है ना, ये भी स्टार्टिंग में हमारे वाइब्रेशन कर रहा था, हमारा टैंक भी कर रहा था, बट इसको हमने ओपन करवा के टाइटन अप करवा दिया था, सारे के सारे इसके नट बोल्ट जितने भी रहते हैं सारे टाइटन अप कर दिए थे, तो अब इसकी इशू नहीं आ रही। एक वाइब्रेशन इशू और आ रहा है जिसमें कि इस बाइक का कोई लेना देना नहीं, ये जो हमने मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है ना, ये देखो ये आवाज कर रहा है गैस, और इसके साथ ही ये जो हमने जगह लगाई है यहाँ पे, हमने ये मोबाइल होल्डर कनेक्ट किया, ये गलत जगह पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगाना था, बट मेरे पास इस टाइम पे ये वाला था नहीं, तो मैंने ये वाला लगा दिया, जिसकी वजह से कि ये भी वाइब्रेट कर रहा है। ये जो नट्स रहते हैं ना यहाँ पे, ये इसके अंदर से निकाला गया था क्योंकि ये टाइट हो नहीं रहा था, इसको हम वापस से लगा देंगे तो ये वाली जो वाइब्रेशन नॉइज है ये भी हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वाइब्रेशन के अलावा एक प्रॉब्लम और आई थी गैस, वो थी हमारी पावर लैग की। देखो पावर लैग स्टार्टिंग में मैंने ये महसूस किया कि जब कभी भी बाइक में पेट्रोल कम है उस टाइम पे ना, जब कभी भी हम लोग
थ्रॉटल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, कौन सा सेंसर है अंदर, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, बट उसकी वजह से मैंने ये फील करा है समटाइम्स पावर लैग हमारा होता है। इसके अलावा जो पावर लैग का इशू है वो ये है गाइस, हमारा ये जो फ्यूल टैंक रहता है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सुराग रहता है, ये ना समटाइम्स ब्लॉक हो जाता है। ये ब्लॉक क्यों होता है आपको ये पता चलेगा जब कभी भी आप बारिश वगैरह में इसको रखेंगे ना, तो यहाँ यहाँ पे इस वाली तरफ ना आपके पानी रहेगा। आपको क्या लगता है वो जो पानी है वो यहाँ पे रहा तो वो टैंक के अंदर नहीं गया? वो पानी जो रहता है ना वो टैंक के अंदर भी जाता है। अब उस टैंक के अंदर जाने की वजह से भी ना पावर लैग होता है। इसके अलावा जो हमारी थ्रॉटल वायर है ना उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसके सेंसर में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इंजन के अंदर कोई दिक्कत हो सकती है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है क्योंकि इंजन वाला पार्ट हमारा जो है वो हम लोग नहीं संभाल सकते, वो मैकेनिक्स का काम है। डोमिनार हमारी की जो सर्विसिंग है ना वो सिर्फ दो सर्विसेज अभी तक हुई है और थर्ड सर्विस गाइस आ चुकी है, अभी 8000 किलोमीटर ही हुआ है, बट हालांकि हमको अभी के अभी ही करवानी है, 10000 तक हम लोग नहीं रुकेंगे। रीजन क्योंकि इस बार जो हमने इंजन ऑयल इसमें डलवाया था ना वो जो डलवाना था वो वाला नहीं डलवाया, क्योंकि उस टाइम पे हमको नॉलेज ही नहीं थी इस चीज की। सिंथेटिक इंजन ऑयल एंड नॉन सिंथेटिक इंजन ऑयल का थोड़ा सा इशू रहता है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, बाइक हमारी जो है वो स्मूथली नहीं चल रही है, वो फील होती है राइडर को जो कोई भी अपनी बाइक चलाता है। स्पीड में लैग आया है, स्पीड डिक्रीज हो जा रही है, जितना हम लोग नॉर्मली पहले इसको गाइस 170 पे आराम से चली जाती थी, बट अब इसको टाइम लगता है 160-165 तक के लिए इसको टाइम लगता है। और साथ में इसका आपको पता है वॉबलिंग का इशू भी है। वॉबलिंग का इशू गाइस जो है ना वो इसके रिम बेंड की वजह से हो सकता है, या फिर इसके जो फॉक सस्पेंशन है इसमें दिक्कत हो सकती है। लोग कह रहे हैं कि ये जो वाइजर है ना इस वाइजर में दिक्कत है, इस वाइजर को भी हम लोग जल्दी निकालने वाले हैं जैसे हमारी थर्ड सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि टॉप स्पीड भी निकालनी है, और या फिर इसके जो कॉन्सेट है यहाँ पे इसमें दिक्कत हो सकती है। डोमिनार से एक नॉइज आ रही है जो कि यहाँ से आ रही है, इसको टैपर नॉइज कहते हैं, टाइमिंग चेंज का इशू भी हो सकता है। बट ये जो आवाज़ है ना इस आवाज़ को अगर आपको चेक कर रहा है ना तो उसको चेक करने के लिए एक तरीका रहता है, आप लोग एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए, उसको यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, ठीक है, और दूसरा एक और डोमिनार ले लीजिए, या फिर यहाँ पे इस वाली तरफ कनेक्ट कीजिए, इस वाली तरफ कनेक्ट कीजिए, जो आपको किट 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 टिक 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 करके साउंड है ना वो यहाँ से आएगी, तो वो इजीली ठीक हो जाती है। आप देखिए जिस टाइम पे हम लोग अभी इसकी सर्विस करवाएंगे ना वो नॉइज चली जाएगी। मुझे पहले लग रहा था कि वो इस टैंक के अंदर से आ रही है, बट वो यहाँ से नीचे से निकलती है तो पता नहीं चल रहा था वो टैंक के नीचे से आ रही थी। एक दो दिन के अंदर हम लोग डोमिनार हमारे की सर्विसिंग करवाने वाले हैं, और जितने भी इसके नॉर्मल छोटे मोटे इश्यूज हैं वो सारे के सारे इश्यूज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी हीरो एक्सपल्स 200 सीरीज। थोड़ा सा गैस आपको टेंपल भी दिखा देते हैं हम लोग। ये देखिए ये माता रानी का मंदिर है, एंड ये यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, और अंदर जो है वो महाकाली जी विराजमान है। एंड ये पेड़ है गैस, बचपन से लेके अभी तक इसके बहुत ज़्यादा यादें हैं, हम बेशक बड़े हो गए हैं बट अभी भी हम लोग जो इस पे हैं वो झूले ज़रूर झूलते हैं। ठीक है गैस, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय माता दी।